हाय गाइस, माय सेल्फ आकाश पाल। फाइनली वो डेज आ चुका है जब हम रोड ट्रिप करने जा रहे हैं लद्दाख की। तो गाड़ी का वेट कर रहे हैं और आपको हम दिखाते हैं सपोर्टिव फैमिली हमारी। ये स्कोप लेके खड़े हैं ये फैमिली। फाइनली कार आ चुकी है हमारी, फाइनली किया सोनेट आ चुकी है। मिलिए समद भाई से, ये सीट बेल्ट जरूरी है, कभी कभी गाड़ी चलाएं, कभी कभी मैं चलाऊंगा। और ये हमारे स्पॉन्सर साहब अभिषेक सिंह, और ये हमारी प्यारी सी छोटी सी सनरूफ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा, दिखा दो बार आपको। ये पहाड़ों की स्टार्टिंग होते हुए और ये ड्राइवर भी चेंज हो गए, डॉक्टर साहब ड्राइव कर रहे हैं। बहुत ट्रैफिक है आज, हमें निकले हुए 2 घंटे हो गए लेकिन अब तक हम सुखदेव नहीं पहुंच पाए। और ये भाई अपना पीछे काम कर रहे हैं, ये बिजनेस पैसा कमा रहे हैं। पैसा भाई, पैसा बहुत जरूरी है, तभी तो किया सोनेट लिए इन्होंने। ट्रिप स्पॉन्सर कैसे हुई, स्पॉन्सर करिए इन्होंने हमें ट्रिप। इस ट्रिप इस ट्रैफिक के चक्कर में हम अब तक के सुखदेव नहीं पहुंच पाए। ये हमारा फर्स्ट स्टॉप हो चुका, ये समत भाई अमरी सुखदेव आ चुके हैं। ये अमरी सुखदेव की मेन एंट्रेंस है, ये मेंस वॉशरूम है। अरे यार सेट ओ लाइट गया भाई, काफ़ी अट्रैक्टिव बना रखा है। गांधी जी के 3 मंदिर प्रेस हो चुके हैं। ये अभिषेक सर अपना पर्सनल ब्लॉग बना रहे हैं तो इनके चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना, ठीक है सर। तमीज मुझे 3 घंटे गाड़ी जाम में चलवाई है इन्होंने, आप कह रहे हैं कि मैं चलाऊंगा। आप ब्लू साफ है, क्लियर रास्ता है, बदला लिया जाएगा चीज़ का। सुखदेव की सबसे खास बात यहाँ पर जब भी आओ क्राउड मिलेगा, काफ़ी क्राउड मिलता है और यहाँ पर इनकम भी बहुत है इनकी। तीन पराठे आलू प्याज, उसके कुछ देर बाद 3 चाय। ओके थैंक यू सर। फ्री वाला मिल जाएगा पानी, आप लोगों को फ्री वाला पानी ला दीजिए क्योंकि बजट थोड़ा गिरा हुआ है। थैंक यू फॉर दिस कोऑपरेशन। फाइनली सुखदेव का पराठा आ चुका है, हम सबका फेवरेट नहीं, ये सबका ही फेवरेट है। और उसकी खास बात ये होनी चाहिए, इसको ऐसे लीजिए, आनंद लीजिए। गाइस हम रात के कितने बज रहे हैं, 1 सेकेंड, 10:30 हो रहे हैं और हमने गाड़ी ड्राइव कर ली है 210 किलोमीटर। विद एवरेज हमारी गाड़ी की स्टैम आ रही है 12। किया सोनेट है, ऑटोमेटिक डीजल, और हम अम्बाला आ चुके हैं। देखिए आप लोगो हरियाणा का अम्बाला का, ये त्रिशूल है और समद भाई गाड़ी चला रहे हैं। समद भाई कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है किया सोनेट का, ये थोड़ा रिव्यू दे दोगे गाइस? बढ़िया एक्सपीरियंस है भाई। ऑटोमेटिक में कैसी फील आ रही है आपको? फीलिंग फ्रेश। और एवरेज वगैरह में कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। वो एवरेज की दिक्कत तो होगी नहीं, स्पॉन्सर साहब साथ बैठे हैं तो ऐसी कोई ऐसा पैसों की रिक्वायरमेंट तो हमें है नहीं या फिर कमी। चलिए स्टे रहिए हमारे साथ। सेकेंड टाइम टैंक फुल हो रहा, फुल करना फुल सर। हाँ भाई, कितने किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर लिया आपने? 550। थके नहीं? नहीं। और टाइम क्या हो रहा रात के? टाइम हो गया 13। देखो जीरो चेक करो, 3 बज गए। जीरो ठीक है, 3 बज चुके हैं, घर से हम 5 बजे निकले थे। हाँ जीरो ठीक है, नहीं फुल कर दो जी, फुल कर दो। अभिषेक सर आप कहाँ से आ रहे हो? अरे 550 किलोमीटर पैदल आए हो क्या आप? यस। अरे रहने दो यार, दिल्ली से पैदल आ रहा हूँ। ये जम्मू का स्टॉप है जहाँ से हम एंट्री करते हैं, टोल लगता है वहीं पर, हम पेट्रोल फुल करा रहे हैं। 3300 का तेल डल चुका है, 39.3 लीटर। स्टार्ट करेंगे अब। तो समझ सर गाड़ी ने एवरेज कितने का दिया? 14।
सो नाइस, तो अच्छा दे रही है इसका मतलब तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉप कहाँ रख, कहाँ कहाँ रखोगे? श्रीनगर। अब नेक्स्ट स्टॉप श्रीनगर का होगा, मिलते हैं श्रीनगर में आपसे। गाइज अकॉर्डिंग टू मैप हम ये श्रीनगर के रास्ते पर जा रहे हैं, जैसा आप देख सकते हो, और ये सिंगल रोड है। बस मेरे मन में डाउट इतना सा है, ये मेन श्रीनगर का अगर रोड है तो यहाँ पर ना तो कोई ट्रैफिक, और रोड की क्वालिटी बहुत लो है, मतलब जगह जगह गड्ढे आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि हमने सही रास्ता चूज़ करा या नहीं करा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और हम व्लॉगिंग भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो कोई हमसे गलती हो तो उसके लिए भी माफ़ी एडवांस में यार, बैड कमेंट्स मत करना बिल्कुल भी। काफ़ी सारे ट्रक्स रोक रखे हैं, देखते हैं आगे हमारी गाड़ी ना रोक दे, बस फॉर वेस्ट। लगता तो नहीं है कि मुझे रोकेंगे, क्योंकि हमारी तो प्राइवेट कार है, ये सब कमर्शियल गाड़ी में आती है। अब देखते हैं अभी स्टे कनेक्टेड। अभी ये चेक पोस्ट पे पुलिस ने रोका है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये आप देख सकते हैं संभा पुलिस दिखा रहे हैं उसके अंदर। अब समझ भाई ड्राइव कर रहे हैं, ये चेक करेंगे कि बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं अभी। भैया श्रीनगर ये रोड जा रही है, मेन हाईवे यही है। ठीक है सर, कहाँ जा रहे हो? हम श्रीनगर, श्रीनगर से ले ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग। ये दोनों सोते हुए, एक ये सो रहा और एक ये सो रहा, दोनों फुल नींद ले रहे हैं फुल। हेलो गाइस, उधमपुर से पहले ट्रैफिक लग गया है, यहाँ पे रास्ता रोक दिया, कह रहे हैं 10 बजे तक खुलेगा। देन आप देख सकते हो आगे तक सारी चीज़ें, हमारे मिश्र आकाश पाल सो रहे हैं एंड ड्राइवर भी सो ही रहे हैं। ट्रैफिक अब तक क्लियर नहीं हुआ है यहाँ का, टाइम दिया था 8 o'clock का, बट टाइम हो चुका है इस टाइम पे, आई थिंक 8:47। देखते हैं, घूम रहे हैं यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं। हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? भाई देखो मेरी नींद तो पूरी हो गई, बढ़िया। रात तुम्हारा भाई 6:30 बजे सोया और अब उठा आराम से, समझ भाई ने पूरी चौकीदारी करी है पूरी रात, और अभी सेम भाई ने भी, मैं तो सो लिया, कंटिन्यू करा है हमने। हम यहाँ पर रात को 6 बजे आ गए थे और यहाँ पर पता नहीं कुछ सुबह के 6 बजे आए थे तो बंद कर दिया था। क्यों बंद करा था भाई? ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से। देखो आगे कोई बोल रहा है लैंडस्लाइडिंग, कोई बोल रहा है फोर नहीं, मैं बता रहा हूँ फोर सेफ्टी रीजन, इन्होंने बंद कर रखा था और अब उसे ओपन किया। और आपको बहुत अच्छी चीज ये दिखाना चाहता हूँ मैं कि देखिए व्यू कितना बढ़िया बढ़िया आ रहा है। लिटरली आज मतलब कुछ एक होता ना, 3 घंटे बाद हमने वेट किया और कुछ पाया, तो हाँ अच्छा सा लग रहा है कि हाँ भी उसका फल मिला, बढ़िया व्यू देख सकते हैं आपके, बहुत बढ़िया है। और हाईवे भी अच्छा बना रखा है इन्होंने, जो रात हम परेशानी हुई, काफ़ी परेशानी हुई, उसके बाद एक अच्छा व्यू भी दिख रहा और अच्छा रोड भी दिख रहा है। का रीज़न देखो साफ दिख रहा है वेटिंग का, कि यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होती है, सेफ्टी रीज़न से ही उन्होंने बंद किया हुआ था, और अच्छी बात है, सेफ्टी होनी चाहिए पहले। हम घर से काफ़ी दूर आते हैं, सेफ्टी मस्ट है इस चीज़ के लिए। लाइट हो रही है यहाँ पर, ये हमारी गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है रास्ता क्लीन करने के। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी आपको मैंने भी पीछे दिखाया कि यहाँ पर कितनी लैंडस्लाइडिंग होती है और कितना सेफ्टी को ये लोग ध्यान देते हैं, फिर भी यहाँ पर लोग आके देख लो गाड़ी कैसे भगा रहे हैं, 33 भगा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही यार भगा के क्या मिलेगा ये बताइए। हम इतने स्मूथली चल रहे हैं, बार बार हॉर्न ब्लॉ करे आ रहे हैं कि साइड दीजिए साइड दीजिए, देखो वर्कर काम कर रहे हैं, मतलब अपनी सेफ्टी कहीं किसी को दिखती नहीं है क्या? तो गोबर ही खा रखा दिमाग में। हमें कौन मिला? हमारे देश के सिपाही, हमारे रियल हीरोज, जो हमारे लिए दिन रात एक करते हैं और
बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है यार। देख लोग गाड़ी कैसे भगा रहे हैं यार, ओवरटेकिंग। देखिए गाड़ी का कोई वजूद नहीं है, ओवरटेकिंग कर रही है। व्यूज देखिए आप इतना बढ़िया आ रहा। सुमंत भाई कुछ कहना चाहोगे, लोग आग यहाँ पर मतलब इतनी तेज रफ कार चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, ये क्या आपके अकॉर्डिंग कैसे मतलब ठीक कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं बताइए? तो ये समझते क्यों नहीं इस बात, क्योंकि अपनी लाइफ इनको पसंद नहीं है क्या? मतलब लाइफ के लिए भी अच्छा होती है लोगों की। अभिषेक सर आप कुछ कहना चाहोगे? ज़्यादा जल्दी है जाने की, इसलिए। वो कहावत सुनिए आपने, बड़े बुरे कहते हैं जल्दी से देर वाली, जल्दी से जल्दी में कहाँ चली, वो वाली बात हो जाएगी फिर इनके साथ और कुछ नहीं। इस ट्रिप की हमारी चिनानी नसरी टर्नल वे, यार मिरर भी थोड़ा गंदा हो गया, साफ करना पड़ेगा, वॉश करनी पड़ेगी गाड़ी। वो तो मस्ट है, बट मिरर भी है। टनल काफी सुंदर बना रखा है यार, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम अब टनल से बाहर निकले हैं। ओ वाओ कैफे, काफी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। टनल का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था, बहुत अच्छा था, और टनल से निकलते ही इतना अच्छा व्यू देख के दिल और खुश हो गया। देखिए गाइस, समा सिद्दीकी चश्मा लगा के बैठे हुए हैं और अपना आपको समझ रहे हैं कि मैं हीरो हूँ, लेकिन इनको ये नहीं पता, ये बताना नहीं चाह रहे, लेकिन हम बताएंगे। इनके कुत्ते फेल हो चुके हैं, कह रहा घर जाना हमें, मेरी मीटिंग आ रही है, फ्लाइट बुक करा दे, फ्लाइट बुक करा दो ये कह रहे हैं। मतलब 600 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो इनकी हवा टाइट हो रही है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है भाई। दिल्ली में निकले तो जाम में मुझे इन्होंने गाड़ी दे दी और अब भी दे दी कि लो भाई चलाओ, और हाईवे पे ही चला रहे हैं। देख लो यार पूरे रास्ते सोते हुए हो, अब सो जाइए, आप सो जाइए। फाइनली हम जाम से निकल चुके हैं, मैं अभी लिटरली मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मूड खराब हो चुका था बहुत ज्यादा। 1 घंटे तक एक ही पोजिशन पर खड़ा रहा, और बाद में पता चला उसका कॉज क्या था कि आगे नैरो रोड था तो 1x1 निकाल रहे थे, और ये दो बंदर तो सो ही रहे हैं, ये भी 1.5 घंटे सो रहे हैं और असली बंदर भी सो रहे हैं। बट आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एग्जाम के निकलने का व्यू कितना बढ़िया दिख रहा है, व्यू में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, प्रॉपर सूट ले रहे हैं, देख सकते हैं आप वीडियो में। हालांकि मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ मुझे पता है, बट इट्स ओके। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया पे आ चुके हैं, हैव अ सेफ जर्नी विद। ओवरटेकिंग पूरा हैबिट है यहाँ पर, तो ध्यान से चलाएंगे गाड़ी, ओवरटेक नहीं करेंगे, रूल को फॉलो करेंगे अच्छे से। अभी तक हम टनल में है और ये काफ़ी लॉन्ग है, मतलब 10-12 किलोमीटर का है, लेकिन काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही है। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम बोलूँगा मैं भाई, मैं थक गया पक गया यार, मतलब इतना ट्रैफिक इतना जाम और ऊपर से धूप टेम्परेचर, गाड़ी भी स्टैंड बाय पर खड़ी है, ऑयल ज़्यादा ख़राब हो रहा है। समझ भाई आप तो सो गए तो आपको पता नहीं चला, बैड एक्सपीरियंस, अपना गुड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? उस टाइम ये नहीं मिला जाम जब तक मैंने चलाई। हाँ सही बात है, मतलब पनौती हमें ही है। अभिषेक सर आप कुछ कहना चाहते हो? मैं तो चलाते हैं, आपको सिखाएंगे ना, सिखाएंगे सोता हूँ बस। ये देखिए आप टर्नल, यार एक चीज़ पूछनी है मेरे को आप लोगों से, देखो मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं,
ये वेरिफिकेशन के पंखे हैं या कुछ और है? ये किसी को बताओ तो प्लीज बताना यार, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे को थोड़ी सी। लेक से पहले हमारा ब्रेक, मिस्टर आकाशपाल जा रहे हैं यहाँ पे देखने क्या है यहाँ की फैसिलिटी। सर किससे बात कर रहे हो, बिजनेस कॉल आ गई क्या? हेलो सर, फर्स्ट स्टॉप तो आपको बताइए हमने खाने का सुखदेव पे लिया था, मूर्थल में जो था, ठीक है, जीटी करनाल रोड। अब सेकंड स्टॉप हम ले रहे हैं, ये अपना श्रीनगर से 40 किलोमीटर पहले है, और आप इसका नाम देगा ना बड़ा बढ़िया लगेगा आपको, अमेजिंग TFC, KFC का दूसरा भाई, और इसके फुल फॉर्म है द फूड क्लब, और ये हमारी ब्लैक ब्यूटी, गंदी हो गई धुलवानी पड़ेगी। सो गाइस, हियर इज द मेन्यू, ये KFC का नहीं TFC का है। तो इसे एक सर आप क्या खाना प्रेफर करोगे, वेज नॉन वेज? हाँ नॉन वेज ही खा लेते हैं क्योंकि कुछ 26 नवरात्र लग जाएंगे, समंद का वेट करते हैं फिर ऑर्डर देते हैं उनको। हियर इज द फर्स्ट डिशेज, इसको भैया इसके डिश का नाम क्या था, भूल गया बताने के बाद। इसका नाम था रास्ती काठी, जो कि मटन की है, फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं, और उसका टेस्ट बताएंगे समद भाई। समद भाई टेस्ट करिए वीडियो में आप। करो पहले तुम करो भाई। ये मटन है सर, ये रेडीमेड मटन है, आप खा के चेक करिए, टेस्ट बताइए हमें, रिव्यू करना KFC का, सॉरी TFC का। वर्तित है, आपने स्पून ऐसा रख दिया तो मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। अभी सर आप बताइए, टेस्ट करके ज़रा फर्स्ट जल्दी कंफर्म करो बताओ। सेकंड डिश आ चुकी है इसका, मैं चिकन कढ़ाई, इसका रिव्यू मैं ही दूंगा, समद भाई ने तो फेक रिव्यू दिया। देखो इसका रिव्यू है कि ये तो बेकार ही थी यार, सही बताऊँ तो, दिल्ली वालों को पसंद कैसे जाएगी। KFC का फूड खा के ना बस क्या बोलो, वॉमिट करने का मन कर रहा है। 818 का वीडियो बना दिया, एक नंबर का बकवास खाना, जो खाने की मैं बुराई नहीं करता बट टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इतना बकवास खाना बस क्या बताऊँ, मूड ख़राब हो गया, खाए भी नहीं गया बस, पैसे आएगी भाई लिमिटेड पैसे हैं तो वेस्ट ना करके हमने खा लिया उसको, वेस्ट ही हुआ है पैसा और क्या हुआ। लेकिन वर्तित नहीं था बिल्कुल भी, हमारा पैसा वेस्ट ही हुआ है। सुखदेव पे जो खाया वो बेस्ट था, बस वेस्ट हो गया। अब लेक आ चुकी है सामने ही है, अभी आपको हम दिखाएंगे। लो समझ सर फोन पकड़िए आप, ले जाना राइट। व्यू देखिए क्या जन्नत है यार, मतलब बेहतरीन, मजा आ गया भाई देख के यार। चलो 24 ये वाला, हाँ यही सही देख रहे हो आप, ये गुलमर्ग का पहाड़ है, 65 किलोमीटर है यहाँ से, 65 किलोमीटर है, ये अंकल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अंकल जी आपका नाम क्या होगा? अयुब भाई हमें गाइड कर रहे हैं, इनको थैंक यू सो मच। जो लेक का आपके बोट हाउस का नाम क्या है? टॉप एरन पे आइए, विजिट करिए, मेरा नाम ले देना आकाशपाल, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइज अब शाम का समय हो चुका है और फाइनली हमने बोट हाउस में अपना रूम भी ले लिया है, और ये आप पीछे का व्यू देख सकते हैं, वो आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा व्यू है। और अब आपको अपना अंदर से रूम दिखा दे, रूम भी काफ़ी अच्छा है, डेकोरेशन बहुत प्यारी है, मतलब डिसेंट सी थीम आती है, देखिए एंट्रेंस, ये डाइनिंग रूम है यहाँ का, काफ़ी डिसेंट बना रखा और बहुत अच्छा है। एक तो पानी के ऊपर यार मतलब अलग ही फीलिंग आती है, हाँ भी बोट के अंदर हम रूम लिया हमने, इट्स ऑसम। और ये यहाँ की इसकी मेन रास्ता है,
रूम से पास जाने के लिए ये आई थिंक फर्स्ट रूम है। हाँ दिस इज़ द फर्स्ट रूम। देन यहाँ अपस्टेयर का रास्ता हो गया, छोटी सी किचन। ये हमारा रूम है, रूम भी काफ़ी अच्छा है, डेकोरेशन भी इसकी भी अच्छी है और कोई बदबू नहीं है ऐसे कि हम पानी में रह रहे हैं तो कोई फिशिस की बदबू आती हो या वगैरह, कुछ नहीं है, सब हाइजीन है। और ये अभिषेक सर अपना शायद काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हो अभिषेक सर? और हमारा स्पीकर भी आ चुका है, नाइट को पार्टी करेंगे हम इसके साथ। और समा सिद्दीकी ये सारा गंदगी फैला के अब लेट रहे हैं। ये भाई कौन सी मालेगा इसे भाई? यार हम कहाँ लेटेंगे, तुमने तो पूरी जगह घेर ली। प्लानिंग करो करो करो। और ये अपना वॉशरूम, वॉशरूम में काफ़ी अच्छा है, इसमें बाथटब भी है। ये ड्रेसिंग रूम आ गया। हाँ हाँ हैंडसम लग रहा हूँ ना, पता है मुझे। गाइस यही है मीना बाजार। ये मीना बाजार है, अंकल ने टेढ़ा बिठा दिया पर मैं भी बहुत तेज इंसान हूँ। अब हम घूमते हुए आए हैं, टाइम हो रहा है 8:48। ये कृष्ण वैष्णो दावा, इस पर अब हम कुछ वेस्ट ट्राई करेंगे, क्या होता है देखते हैं। अब ये दोनों कल की प्लानिंग कर रहे हैं। सर क्या ऑर्डर करा है? हेलो सर, ऑर्डर क्या करा है? क्या हो गया? अरे यार क्या होटल में बताएंगे। चलो आगे स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। अभी तो हमने मखन दाल साहब ने ऑर्डर करा, उसकी हम क्लिप में दिखाएंगे क्योंकि मूड खराब है, हम खाएंगे और फिर रूम में बात करेंगे। चलो चलो कोई, हम अब जा रहे हैं अपने रूम पर, रूम पर जा रहे हैं। डिनर हमने कर लिया है, अभिषेक सर ने भी डिनर कर लिया है, कुछ फ्राई ले लिया है और वहीं पर एक अपना हुक्का वगैरह पियेंगे। देखो तो व्यू तो काफ़ी अच्छा आ रहा है और टेम्परेचर भी बहुत अच्छा हो रहा है। और ये अंकल हमारे ओनर हैं, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी वो। अब हम अपने डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं, ये हमारा रूम है, काफ़ी सुंदर है, बहुत प्यारा है। आप भी आके यहाँ पर ट्राई करना, बहुत सस्ता है यहाँ पर, इधर सस्ता नहीं मिलेगा। तो गाइस अब दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने का टाइम हो चुका है और उससे पहले हमें ये अंकल, गाइस हमने अपना बोट हाउस का रूम लीव कर चुके हैं। और ये समद भाई, सबसे गंदा गंदा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करोगे हमारी ऑडियंस के लिए? सर गंदा एक्सपीरियंस है हमारे लिए। अब अंकल आप कहाँ लेके जा रहे हो हमें? बात ही नहीं कर रहे यार, कहाँ लेके जा रहे हो आप? अब यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है ना आसपास जितनी बोट हाउस में, वो सब हम कवर करेंगे। इसको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको, सरारा? इस बोट को क्या बोलते हैं अंकल? नाव तो हमें पता है, ये नहीं बताना चाह रहे। अभी इनकी दोनों की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है तो इनके चैनल पे मस्ट विजिट करना, ठीक है? और ये देखिए व्यू, वाह।